हाँ जी भैया जी, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आज का जो ब्लॉग होगा सबसे अलग होगा, ठीक है? क्योंकि ये ब्लॉग पहली बार हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, फुल्ली अनकट वीडियो। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लिप को जोड़ा गया है, ना कि इधर उधर से कुछ काटा उटा नहीं गया है, सारा कुछ क्लिप जोड़ा गया है। और हम ऐसा वीडियो पूरा बना सकते थे, मे बी 32 या 30 मिनट का हो जाता, लेकिन हम लोगों ने क्या कोशिश किया कि 10-11 मिनट का वीडियो बना दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड डालेंगे। एपिसोड डालने का मतलब ये है कि तो हम लोग दोस्त की बहन की शादी में गए थे, तो पूरा सारा वीडियो आया है, तो उतना वीडियो हम लोग बना नहीं सकते थे एक बार में मर्ज करके। तो सोचे कि 10 मिनट का पहले बना देते हैं, जो सफ़र का था, यानी कि शादी का सफ़र, दोस्त की बहन की शादी का सफर, इस टाइप से कुछ हो जाएगा और फुल्ली अनकट वीडियो रहेगा। तो दोस्त लोग के साथ जैसे वहाँ गए थे, तो फुल्ली आप लोगों को एंजॉय भी मिल जाएगा और सारे लोग जो एंजॉय किए थे ट्रेन में, तो आप सब लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, और साउंड प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ट्रेन का ब्लॉग है तो नॉइस प्रॉब्लम तो आएगा ही। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और 10-11 मिनट का वीडियो है, बाकी एंजॉय कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड डाला जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा धमाकेदार सीन रहेगा, वो देखिएगा, इसको भी देखिएगा और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। फोर पे वो भाई साहब, भाग दौड़ भरी जिंदगी आज होने वाली है हम लोगों के लिए। A few moments later, तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, तू ही से उम्मीद चाहे कोई कोई सितम ये जहां और ये जो लड़का है ना भाई, ट्रेन में सिंगिंग करता है। अभी अभी हमको मिला है, इत्तेफाक से ही हमारा दोस्त है भाई। ₹1 मिलेगा तुमको, टेंशन ना। हाँ, अकेले में क्या करता है? फिर से गाएगा क्या? नहीं गाना है। अरे गाओ बे, जब से हम घर से निकले तो एकदम भाग दौड़ वाली जिंदगी रही, और खासकर आकाश के कारण। मेहरबानी इनकी है, मेहरबानी इनकी है जो इतना लेट से आए। लेकिन एक बात तो है कि हमेशा हम लोग ट्रेन लेट से नहीं पकड़ते, टाइम पे पकड़ लेते, लेकिन स्टेशन पे लगता है, आते आते लगता है कि ट्रेन लेट हो गई, लेकिन पकड़ लेते हैं। हमेशा से देखते होंगे ब्लॉग में आप। और अभी अंकित क्या कुछ बोलते हो? क्या आकाश के ट्रेन लेट होने में सबसे बड़ी मेहरबानी है हमारे आकाश भाई का। हालांकि किस्मत इतना अच्छा था कि ट्रेन ही समय से लेट है, वरना मिलने वाला नहीं था, क्योंकि ये मिथिला है, मिथिला एक्सप्रेस है भैया जी। हमारा तो प्लान ही यही था कि हम अगर टाइम पे पहुंच गए, अगर गाड़ी टाइम पे मिल गई, अगर ये लोग नहीं पहुंचा तो हम छोड़ के चले जाते। ऐसा कैसे होता? कोई रिस्क नहीं लेने वाले थे, नहीं नहीं नौटंकी इन्होंने शुरू किया था, तो झेलना ही नहीं पड़ता, हम नहीं जल सकते। सही बात है, सही बात है। हम लोग का जिंदगी कुछ ऐसे कटता है, घर से निकलते कुछ देर चलते हैं कि घर से निकल गए। किसी का भी घर? अरे उसी का। इनके रास्ता मिले रहने क्या चीज मिल रहा है? ओ भाई, घर से निकलते ही है कुछ दूर चलते हैं, समझ रहे भाई, समझ रहे हो? घर से निकलते हैं कुछ दूर चलते हैं, अब रास्ते में है उसका घर। अब तुम भी गा दो। कल सुबह देखा तो बाल बनाती खिड़की से आई नजर। भाई साहब तो फिर नजर आ रही है, देखते हैं भाई। नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोगों को बता दें कि ये ब्लॉग हम लोग का समस्तीपुर टू ब्रौनी है, ठीक है? आज हमारा एक दोस्त खत्म हो जाता है। हाँ, अभी चलेगा चलेगा, बहुत ही खुश चलेगा, क्योंकि आज हमारे दोस्त सन्नी की बहन की शादी है, वही हम लोग जा रहे हैं ब्रौनी। टाटा टाटा भाई, शादी है भाई, शादी, समझ रहे हो? वही हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। और हमारे पिया गले बस सुख के छुआ म्यूजिक होएगा, ये लड़का म्यूजिक होएगा,
और आप लोगों को पता है ना कि तार बिजली से पतले हमारे पिया भाई। आकाश भैया हम पतले हैं, नहीं हम लोग पतले हैं, आपको लगा देंगे। इसको इसका इसका ये निकलते जा रहा है भाई, जिम छोड़ रखते ये सब, ये सब है मतलब, ये जो इसका निकलते जा रहा है। हुआ क्या था कि जब ये 5 दिन जिम किया था तो छठा दिन हमको कॉल करने बुलाए थे, थोड़ा हमारा बड़ी बड़ी देखो बढ़ा उड़ा है कि नहीं बढ़ा था भाई, सही बात है, बढ़ा उड़ा नहीं था भाई, कुछ बढ़ा नहीं था। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। कितना दिन किया था इसी से पूछ लेते हैं ना, कितना दिन किया था? डेढ़ महीना किया था भाई, 5 दिन के बाइसेप्स, 5 दिन के पसीने में जिम में इधर का बाइसेप्स दिखा रहा था। भाई सर हम लोग का सफर हो गया शुरू, हमारे साथ मिस्टर उत्सव, मिस्टर आकाश और इधर अनुज शिवम, ठीक है। हम लोग अभी इस बोगी में बैठ के हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि सीट मिल चुका था, कहाँ मिला था? हम दिए थे ना तुम लोग को सीट में, तू ज्यादा बोलेगा नहीं, सीट मिल चुका था, सही बात है, सीट हम लोग लिए नहीं, परोपकारी परोपकारी कर रहे हैं, मारे में मुंह पे चढ़ गए। भैया बात यह है कि आज हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त की बहन की शादी में, और हम लोग का कहानी का जो है ना मेन शुरुआत में खराब करने वाले थे, तो हम लोग का पूरा प्लान ही था कि सबसे ज्यादा इन्हीं को आज और हम लोग जिस ट्रेन से निकल चुके हैं, ट्रेन का नाम है मिथिला एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग समस्तीपुर से बरौनी जाने वाले हैं, वहाँ जाएंगे एक होटल में जहाँ हम लोग दोस्त के बहन की शादी, जहाँ पे हमारे मित्र हैं उनकी बहन का शादी, बहन के लिए उनकी दीदी का शादी जी, बहन बोलो सिस्टर, हमें जाना है। और हमारे जो पीछे के जो दो मित्र हैं वो पहुँचे हुए हैं, और सबसे लेट हम लोग हैं, और कारण बस एक ही बंदा है आकाश, और कोई नहीं। इसमें बीच में ट्रेन का भी गलती है, ट्रेन में लेट का गलती, ट्रेन है भाई, ट्रेन भी ट्रेन लेट है, तो वो हम ट्रेन लेट है तो हम लोग के लिए अच्छी बात, अच्छा था हम लोग का, हम लोग पकड़ सके, फिर भी ये लोग हम लोग को दौड़ा दिया ना, दौरा क्या दिया भाई, तुम लोग बोला पहचान में आ गया, हम तो दौड़ के आएगा, मैं तो रहता रहा हम साथ में, आ जाओ आ गया दौड़ के आया। अबे कम से कम दौड़ के आया ना भाई। देखिए बात ऐसी थी कि हम लोग का ट्रेन था 3:17 में, ठीक है, और कितने बजे ट्रेन अभी पकड़े हम लोग, 3:58 में ट्रेन था। अच्छा 2:58 में ट्रेन था, और अभी टाइम बच गया है कितना, 4 बज गया है, तो एटलीस्ट 15 मिनट पहले हम लोग ट्रेन पकड़े हैं, तो समझ आ गई मतलब कि 3:45 हाँ 30 के बाद ट्रेन आई है, तो टाइम था 2:00 कुछ और हम लोग वैसे भैया मिथिला एक्सप्रेस है तो हमेशा से थोड़ा बहुत हमेशा से हर जगह लेट, तो वो लेट हम लोगों के लिए आज सक्सेसफुल रहा है, मतलब कि कारगर हो गया, ताकि हम लोगों का सफर आज साथ में जा सकते हैं, तो पता चलता ये इधर छूट गया ये उधर छूट गया, डायरेक्ट मना कर रहा था हम जाएंगे ही नहीं, मनाना पड़ा नहीं जाते, समझते क्या अपने आपको, नहीं हम नहीं दिखा सकते नहीं क्यों, वो दिखाने लायक नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि सभी के पास मास्क है और मेरे पास नहीं है, तो सीन कुछ ऐसा है कि मेरा छूट गया है ट्रेन से उतरने के बाद, हम रास्ते में खड़े हैं, अरे वो और डिस्पोजल है लेकिन नहीं पहन रहा है, पता नहीं क्या है इसका मैटर है, कहीं तो वो निकाल के देगा। हाँ जी तो लगा लिए हम भी मास्क ताकि ये दिक्कत न हो, पर आकाश कर रहे हो आज, आज पूरा प्लान में है कि जितना मन हो उतना और सफर जो है ना, अगर इंडियन रेलवे जनरल का अभी जनरल बोगी में करने में मजा आता है ना भैया जी, तो क्या ही बोलो, ये देखो चला लीजिए चला लीजिए चला लीजिए चला चला लीजिए चला लिट्टी खा लो, लिट्टी चटनी खाना चटनी मजा लो लेटे। भाई अगर बिहार में है तो लिट्टी चोखा का मजा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आज अभी बता देते हैं, और ये चटनी लिट्टी चटनी है भाई, आप ये देख सकते हैं, और ये ट्रेन की ट्रेन का जो जनरल बोगी है उसका ये हाल, ये है ट्रेन का वातावरण, ये है ट्रेन का वातावरण, हम लोग मास्क
लगा लेते हैं क्योंकि बीच में कोरोना खत्म हो गया था, लेकिन अभी कोरोना का कोई रिलेटिव वाला फिर आ चुका है उस चक्कर में अभी मतलब फिर से मास्क का ज्यादा सीन बन गया। बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा था लेकिन अब अचानक से चारों तरफ जो कोरोना का केस मिलने लगा है तो मास्क अब बहुत ज्यादा जरूरी है फिर से। क्या कीजिएगा भाई, अपना सेफ्टी तो पहले जरूरी है, उसके बाद कुछ होगा। तो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं अभी बरौनी जंक्शन पे और यहाँ से हमको अभी जाना है होटल पे जहाँ पे अभी उसकी शादी है बहन की, वहीं पे जाएंगे पहले लाइव लोकेशन और लाइव लोकेशन देखते हैं भाई। लास्ट तक आ ही गए तो वीडियो तो फुल्ली एंजॉय किए होंगे और मज़ा तो ज़रूर आया होगा। तो बस अब कंटिन्यू कर दिया वीडियो को तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी डाला जाएगा तो उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें सारा कुछ जो वहाँ पे हम इन लोग एंट्री मारे शादी का सीजन सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो ज़रूर अच्छा लगा क्योंकि पूरा फुल मस्ती चला है तो अच्छा तो लगा होगा, हंसे तो ज़रूर हो गए आप लोग। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार आने वाला है। बाय बाय।